नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हैं जिनका मुझे पता है, जिनकी जानकारी है मुझे कि ये किस तरह के मैकेनिज्म या किस तरह के कैसेट प्लेयर में यूज़ होता है। बाकी कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिनका मुझे नहीं पता है, क्योंकि जानकारी की सीमा इसलिए है कि आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, सब ब्लूटूथ स्पीकर जैसी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, और ये पार्ट्स पुराने मैन्युफैक्चरर हैं। 90 का दशक ख़त्म होते होते 2007 या 8 के बाद तो मैन्युफैक्चर बिल्कुल बंद ही हो गया था लगभग, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि JK का जो डेक था, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो 2010 का मैन्युफैक्चर था, और दोस्तों वो सील पैक था, मतलब उसके बाद कैसेट प्लेयर सेल नहीं हुए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं, जो अनुभव रखते हैं आप, तो आप वो फ़ोटो देख के वो पहचान लीजिए, और अगर आपके काम में कोई स्पेयर पार्ट आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हैं चीज़ें। दोस्तों, सबसे पहला ये है, ये FLD का क्लच है, और ये तो कंफर्म है दोस्तों, FLD जो फ्रंट लोडिंग डेक था उसमें यूज़ होता है, सभी को पता है। इसे साइड में रख देता हूँ। और दूसरा ये है दोस्तों, एक तरह का नोब सेट है, ये देख रहे हैं आप, तीन तीन पीस हैं इसमें, माफ़ कीजिएगा, तीन ब्लैक और तीन वाइट करके ये मेरे ख्याल से पेयर बना हुआ है, और इसका कोड है डेक नोब प्लस अडेप्टर सेट 3, और कोड है A100। दोस्तों, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो पहले सेलर रहे हैं या टेक्नीशियन रहे हैं, वो कोड देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस में यूज होता है। दोस्तों, ये कार वाला जो सिंगल पुली वाला डेक था उसकी पुली है, इसका कोड है C24B। और इसके बाद भी दोस्तों, ये कार वाला जो कैसेट प्लेयर था उसका नोब सेट है, ये आप देख रहे हैं, एक बड़ा और दो छोटे, वॉल्यूम बेस ट्रेबल के लिए रहता था वो है। और इसके बाद दोस्तों, ये आता है, ये उल्टा रखा हुआ है, लेकिन ये कार का फ्रंट पैनल है, मतलब कार, माफ़ कीजिएगा, कार वाले कैसेट प्लेयर का फ्रंट पैनल। उसके बाद दोस्तों, कुछ स्प्रिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक पेयर है स्प्रिंग का, दो स्प्रिंग है, और इसका कोड है C41, और टोर्सियनल, मैं माफ़ कीजिएगा उच्चारण अगर गलत होगा, तो ये टोर्सियनल स्प्रिंग C41, ये पेयर वाला था। और उसके बाद आता है, ये दूसरे टाइप का है, ये सिंगल है, इसका कोड है TN15। इसके बाद दोस्तों, ये स्प्रिंग तो नहीं है, ये एक लंबे तार जैसा है, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्विच को टेकअप करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद फिर से C41, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, TN15, और ये एक और है, ये पेयर है दोस्तों स्प्रिंग का, इसका कोड है C10। तो ये कुछ स्प्रिंग थे। इसके बाद दोस्तों, ये है, ये गोल्डन डेक में फ्लाई व्हील के साथ अटैच होता है, वो तो आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक में होता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, ये एक नोब है, रेगुलर FLD से थोड़ा बड़े साइज का है, और इसका कोड है C54 नो ब्लैक, थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों साइज में।
और एक ये गियर है दोस्तों, इसका जो कोड है वो है TN11 KM गियर। आप देख लीजिए दोस्तों, मेरे ख्याल से RX के किसी मॉडल में ये यूज़ होता है। और ये तो आप सभी जानते होंगे, गोल्डन डेक का सेंटर पुली, और बहुत संख्या में है मेरे पास। उसके अलावा दोस्तों, ये एक फ्रंट होता है डेक का, ये देखिए आप, आपने कई बार देखा होगा कि ये जो डेक थे, एक नॉर्ज जैसी कंपनी थी, या कई बार जो इम्पोर्टेंट थे JVC वगैरह, वहाँ पे मैकेनिज्म के बाहर यूज़ होता है। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, DF72 था। और एक ये नोब है, वो तो कोड तो इसका नहीं रहा। बाकी आप देख लीजिए, मैं जानता हूँ जो अनुभवी लोग हैं वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये नोब सेट है और यहाँ स्प्रिंग भी दिया गया है इसके साथ। ये मेरे ख्याल से इजेक्ट का रहा होगा किसी टाइप के डेक में। एक ये पिंच रोलर है, इसे तो दोस्तों देखकर ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। एक फ्लैट टाइप का ही डेक होता था, उसमें ये यूज़ होता। और ये है C13 हेड का स्टड है दोस्तों, जो हेड हम लोग लगाते हैं उसके लिए स्टड है ये। और ये रोलर है दोस्तों, FLD से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेज़रमेंट यहाँ लिखा गया है 2.5 बाई 13, मतलब 13 बाई 8.3 PR2। मेज़रमेंट आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। और एक ये इस पे दोस्तों, इस पे लिखा है रिवाइंड फॉरवर्ड विद बेस प्लेट। अब ये किस मैकेनिज्म का है, इसमें आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है नहीं। दोस्तों जैसा FLD का नोब हमने ब्लैक कलर में देखा था, वो सिल्वर में भी है, थोड़ा सा बड़ा है जो छोटे वाले होते थे उनसे। और एक ये है, इस पर लिखा है स्लॉट प्लेट, कोड है A29। ये थोड़ा सा कैसेट के नीचे रहता था, उसको ऊपर की तरफ रखने के लिए। दोस्तों रिकॉर्डिंग मशीन में इनके बहुत मायने होते थे। और एक ये है नोव C47, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले किसी मशीन में ऐसा नोव नहीं देखा, नहीं तो मैं ज़रूर बताता आपको। एक ये सेलेक्टर गियर है R5। दोस्तों किसी भी तरह के गियर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका मेज़रमेंट भेज सकते हैं। मतलब एक आप उसका थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई नाप करके, जो जितना भी होता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। और उसके बाद है दोस्तों ये रोलर, ये देख रहे हैं FLD से थोड़ा सा लंबा है। और दोस्तों ये FLD वाला रोलर है, पूरा असेंबली नहीं है, खाली रोलर, रोलर है, खाली रोलर ही है। और इसके बाद है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है FLD से, और
जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि रोलर ब्रास बुश और 2.5 बाई 13.5 बाई 7.40, ये इसका मेजरमेंट है, 2.5 बाई 13.5 बाई 7.4, और कोड है इसका PR26। तो ये एक रोलर है, उसके अलावा दोस्तों एक पुली है, कोड है इसका MISC19, पुली प्लास्टिक, और आप देख सकते हैं दोस्तों एक ये स्विच है, स्लाइडर स्विच है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ओपन स्लाइड VC स्टीरियो, और कोड है MISC27, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्लाइडर स्विच है दोस्तों। इसमें तीन और चार, माफ़ कीजिएगा, चार चार पिन, चार पिन लेफ्ट में और चार पिन राइट में है कनेक्शन करने के लिए, और एक और ये क्लच है। कोड है N69। और दोस्तों उसके बाद ये FLD के जो बटन सेलेक्टर पीछे की तरफ लगा रहता है, वो ये चीज़ है, मैकेनिज्म आपको दिखाना चाहूँगा जिससे साफ साफ समझ में आए। ये FLD का मैकेनिज्म है, और ये जो चीज़ है, ये जो स्वेयर है, ये आप देख रहे हैं वही था। उसके बाद दोस्तों ये एक बुश असेंबली होती है, आप देख रहे हैं, और ये है दोस्तों वॉकमैन वाला नॉब सेट। इसमें जो बड़ा सा है वो प्ले और रिवाइंड फॉरवर्ड के लिए, ये नॉब सेट दिया गया है, वॉकमैन का है दोस्तों। इसके भी एक अलग मायने थे अपने ज़माने में। और ये लीवर है दोस्तों कार कैसेट प्लेयर का, जो कार मैकेनिज्म पे ऊपर की तरफ लगा रहता है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ पैकेट्स बंधे हुए हैं, क्योंकि इनमें एक ही तरह का स्पेयर पार्ट्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये FLD डेक का सेंटर पुली है, और ये पूरा पैकेट है दोस्तों, बहुत सारे पीसेस हैं इसमें। ये FLD का सेंटर पुली है, और इसके अलावा दोस्तों अगर इस पे आता है दूसरे पैकेट पे, तो ये एक रोलर है, ये आप देख सकते हैं एक रोलर है, और ये FLD का नहीं है दोस्तों, FLD से थोड़ा छोटा साइज में ये आता है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो बताइएगा, ये पूरा बंडल उसी का है। और इसके अलावा जो ये अगला पैकेट है, इसे मैं खोल लेता हूँ, तो ये देखिए, ये वो स्टड फ्लाईव्हील वाला, ये दोनों कंपनी अलग अलग हैं लेकिन एक ही तरह का है, और एक ये दूसरे तरह का। और एक ये देखिए, ये FLD में लगता था दोस्तों। कुछ जो ब्रांडेड FLD थी जैसे एलेन या एल्पाइन, वो ये अलग से लगाते थे, लेकिन बाद में मार्केट में नई नई कंपनी आई तो उन्होंने इनबिल्ड भी दे दिया था, मतलब वो वहाँ से फिक्स रहता था, आप ये स्पेयर चेंज नहीं कर सकते थे, और वो एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं थी। और ये वाला दोस्तों जो है पैकेट है पूरा, ये स्विच है, अब इसे प्ले स्विच या लीप स्विच भी कहते हैं अलग अलग जगह, ये पूरा पैकेट उसी का है।
और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो FLD मैकेनिज्म होता है, इसके यहाँ पर ये स्विच लगा रहता है जहाँ मोटर के जो मोटर पे जाने वाली सप्लाई है वहाँ से कनेक्शन करते हैं, वो ये स्विच है। तो दोस्तों यही स्पेयर पार्ट्स थे। और एक और चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा और पैकेट है, ये देखिए आप दोस्तों, ये बूम बॉक्स वाली जो मैकेनिज्म थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें यूज़ होता है। और सही मायने में सेंटर पुली के साथ कुछ असेंबली है वो ही है। ये लास्ट स्पेयर था आज की वीडियो में। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, अगर इनमें से आपको किसी की भी ज़रूरत होगी तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए, या फिर प्रोडक्ट कोड मुझे बताइएगा तो आपको मिल जाएगा ये। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।